जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं लाहौर एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं इटली जाने के लिए। बस जोसन अब चेक इन का वेट कर, चेक इन ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन कर ली हुई है, तो बस जो लगेज है वो मैंने देना है। बल्कि मेरा सामान 15 kg ज़्यादा हो गया था, तो वो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो बस वेट कर रहा हूं कि वो उनके चेक इन काउंटर्स ओपन हों, तो मैं अपना यहाँ लगेज दे के ताकि ईजी हो जाऊँ। तो फिर मिलते हैं, देखते हैं। इस टाइम लाहौर एयरपोर्ट की ये सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है इस वक्त। ये पासपोर्ट कंट्रोल की लाइन लगी हुई है। 20 दिन पाकिस्तान में रहा और पता भी नहीं चला, और ख़ास तौर पर अबू के लिए आया था, तो किसी के घर भी नहीं गया क्योंकि मेरी कोशिश थी बस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारूँ। तो इसलिए पाकिस्तान का बस अचानक प्लान किया था, तो बस आया, उनसे मिल भी लिया। और देखिए किस कदर खूबसूरत ये बना हुआ है, ब्यूटीफुल। ये लाहौर एयरपोर्ट पे मैं ट्रेडिशनल जो सीन की सब बिल्डिंग है उनके मेरे से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बनाया ताकि आप उनको देख सकें, फील कर सकें। जी तो बस अपने में जाने लगा हूँ और लाहौर वालों को खुदा हाफिज़ का कहना चाहता हूँ। तो लाहौर में अच्छा टाइम गुजरा, तो लाहौरियों फिर आऊँगा आप सब लाहौरियों से मिलने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो मैं प्लेन में आ चुका हूँ और बस जो है प्लेन टेक ऑफ करेगा, तो अभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी दुबई में। बाय बाय लाहौर।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, तो बस अब प्लेन से बाहर निकलूंगा और बस अब बाहर जा रहा हूं पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ एंड देन देखता हूं आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या प्रोग्राम्स आगे। जी तो ये ड्यूटी फ्री शॉप है दुबई की, तो देखते हैं पर मजीद हो और क्या नज़र आते, कौन से ब्रांड्स नज़र आते। ये मैं परफ्यूम शॉप पे आया हूँ, तो यहाँ पर मुझे वो नज़र नहीं आ रहा जिस ब्रांड का आपने मुझे भेजा, बाकी तकरीबन सब नज़र आ रहे हैं। वो नर चीज़ है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, देखो बाकी सब ब्रांड्स नज़र आ रहे हूँ, सब ब्रांड्स के नाम नज़र आ रहे होंगे आपको। ये मैप गेट BCDF यहाँ से जाएंगे, मेरा गेट जो कि सी है, तो अब यहाँ से मैं ट्रेन लूँगा और ट्रेन लेके जाऊँगा उस गेट की तरफ। जी तो मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पर गेट C1 से C3 तक, क्योंकि मेरा गेट C2 है, तो बस मुझे यहाँ से मेरा गेट मिल जाएगा, तो बस इतना मुश्किल नहीं होता चीज़ों को फाइंड आउट करना, तो आप उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी तो मैं दुबई से प्लेन में बोलने के लिए, तो बस अब दोनों में पहुँचता हूँ, बड़ी मुश्किल से ये प्लेन तक पहुँचा हूँ क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था उस टर्मिनल से यहाँ आने के लिए, और गेट भी सबसे लास्ट में था, बट फाइनली आई एम इन प्लेन। तो अब बोलोनिया पहुँच के आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलोनिया पहुंच चुका हूं और बस जो सर अब लगेज रिसीव करना है, तो लगेज लेके तो फिर दोस्त वेटिंग से मेरे घर ड्रॉप करना है, तो फिर घर जाके देते हैं, घर जाके बच्चे बीवी बहुत एक्साइटमेंट है, तो जाके देखते हैं और उनके लिए जो
चीज़ें ले किया हुआ उनको जाके देते वक्त जो उनके एक्सप्रेशन होगी वो भी आपको जरूर दिखाऊंगा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगेज भी मेरा सारा आ गया और इसको मैंने ट्रॉली पर रख दिया, तो अब जो ना मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।